दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको दिल्ली के नगर निगम में कोई काम कराने के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यापारियों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, आपके सारे लाइसेंस ऑनलाइन होंगे, डोरस्टेप डिलीवरी से होंगे, आपके जितने छज्जे छोटे मोटे ऑल्टरेशन लोगों ने कर रखे हैं इसकी एक स्कीम लाएंगे, सबको माफ़ी दे देंगे, छोटी मोटी पेनल्टी भरो और सबको रेगुलराइज कर देंगे दिल्ली को, ताकि आपके ऊपर ये तलवार जो हमेशा लटकती रहती है ना, कोई भी आके आपसे पैसे लेके चला जाता है, रेड़ी पटरी वालों से इन्होंने हफ्ता बांध रखा है, उनको मुक्ति दिलाएंगे भ्रष्टाचार से। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे लोगों को, जो इतना ज़्यादा इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। कूड़ा ठीक करेंगे, जो इन्होंने पूरा दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। इनके जितने स्कूल और हॉस्पिटल हैं वो अभी तक पाँचवीं तक के स्कूल इनके पास हैं, छठी से हम स्कूल हमारे, वो सारा इंटीग्रेट हो जाएगा अब सिस्टम। उसी तरह से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इनके पास हैं और बड़े अस्पताल हमारे पास हैं, सारे इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब दिल्ली सरकार और नगर निगम एक बन के, कोई फंड की दिक्कत नहीं होगी, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, एक बन के दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। क्योंकि सर लोग हैं ना उलझे हुए हैं, जब आप ग्राउंड पे जाएं उन्हें ये समझ नहीं आता कि एमसीडी के पास क्या है, दिल्ली सरकार के पास क्या है। कई बार वो एक ही बात बोल देता हूँ, लोगों को एक ही बात बोल देता हूँ, दिल्ली सरकार में हम हैं, अब नगर निगम में भी हमारी सरकार आ रही है, तो बस अब आप चिंता मत करना, दिल्ली के सारे काम मैं कराऊंगा। बस ये सोच लेना कि गलती से आप अपने इलाके में अगर दूसरी पार्टी का पार्षद बना दोगे, वो आपकी 5 साल जिंदगी हराम कर देगा, जिंदगी नरक कर देगा, क्योंकि वो तो केवल धरने करेगा, मेरा खिलाफत करेगा। तो इस चुनाव में हो सकता है आप दूसरी पार्टी के सपोर्टर हो, दूसरी पार्टी के वोटर हो, इस चुनाव में आप हमें वोट दे देना, अपना लोकल पार्षद हमारा बनाना, ताकि हम मिलके सारा एक सिस्टम के जरिए काम कर सकें, सारे काम हम कराएंगे। ये कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ग्राउंड पर हमें ये सुनने को मिलता है कि जी सीवर तो हमारे पास नहीं है, ढक्कन किसी और के पास है। ऐसे ऐसे उलझन है ग्राउंड पे, अगर आप जाएं तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये गली हमारे पास है नहीं, स्ट्रीट ये नाली है, परेशान है लोग, ये नाली एमसीडी की है और वो जिसमें पानी गिर रहा है वो दिल्ली सरकार का है। अब वो पानी यहाँ से यहाँ पहुंच जाता तो दिल्ली सरकार का हो जाता, बहुत ही अजीब सिस्टम है। सुलझ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आज आपने एक और जिक्र किया बहुत महत्वपूर्ण, आरडब्ल्यूए को लेकर। उन्होंने 15 तारीख को मैनिफेस्टो भी जारी किया था, नाराज थे, उन्होंने कहा कि हमसे मीटिंग हो जाया करती थी कुछ दलों का, उन्होंने जिक्र किया और कहा कि फिर हमें इग्नोर कर देते थे, और अभी फिर से मैनिफेस्टो में उनका जिक्र है, प्रोमिसेस किया है कुछ दलों ने, लेकिन आप कैसे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि उनको सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उनकी मदद ली जाएगी सच में ग्राउंड पर? मैं दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूए को कहना चाहता हूँ कि आपको हम मिनी काउंसलर बनाएंगे।